क्या कर रहे हो तुम लोग ये सारे ऐसे? अच्छा बताओ कहाँ जा रहे हो आप लोग सारे? गाड़ी में। क्या करने जा रहे हो? क्या था खाना? खाना तो आप लोगों ने खा लिया, अब क्या करने जा रहे हो? झूले लेने। हम ना मम्मी जी शामिल के ब्लॉक्स है। शामिल के ब्लॉक्स रख दिए हैं गाड़ी के अंदर। अब गाड़ी के अंदर आप लोग खेलोगे जी? देखो मेरा ओ आपके घुटने में चोट लग गई, रेड हो गया आपका घुटना तो। ओए होए होए, आपकी दाई भी लेके आएंगे। ठीक है ये अपने बेल्ट बांध दो पीछे से फ्रॉक का। चलो चलो सारे चलो चलते हैं, चलो जल्दी। आपको बुखार हो गया, सारे मरीज बन गए, सबको सब कुछ हो गया। बस मैं एक लोसा स्ट्रॉन्ग आदमी हूं। स्ट्रॉन्ग आदमी चलो चलो चलें। क्या तुमने क्या लगा के आया? पर्पल आई शेडो लगा के आया। सही, वो ब्लैक लगाई, फिर मैंने पिंक लगाई, फिर मैंने ब्लू लगाई। आप लड़की हो या लड़के हो? लड़का। तो फिर लड़के थोड़ी लगाते हैं, पागल लड़के हो आप तो। है पागल लड़के हो। ये शहरयार ने मेरा पर्स तोड़ दिया ना, बैग निकाल। ये शहरयार आपने मेरा मेरे बैग की बेल्ट निकाल दी ना, ये देखो सारी बेल्ट निकाल दी तुमने मेरे। वैसे मेरे देखो ये जूते ना गाड़ी पे भूल गया। शामिल अपने जूते गाड़ी पे भूल गया। आप अपने आप लेके आए हो, आप तो अच्छे बहुत हो। चलो 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 हुदा क्या कर रही हो? चलो अच्छा जल्दी से उठो हुदा, जल्दी से। फिर लड़का था ये लड़की। चलो जल्दी से उठो, जल्दी से चलो। क्या कर रहे हो तुम लोग? मामू ये चप्पल आपकी। वो लाइट चलेगी क्या? लाइट चलेगी वहाँ। तुम कहाँ से? शहरयार मास्क लग रहा हो? शहरयार इधर आओ। शहर कहाँ जा रहे हो आप? शामिल को ब्लॉक सारे निकाल दो, चुप। गाड़ी में से ब्लॉक निकाल लो सारे। चलो जल्दी 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 चलो। खुदा इधर आए आप। खुदा आप चप्पलें पहननी है आपने? मैं तो चप्पलें देख लूँ। दिखाना कौन सी चप्पलें पहननी है, दिखाओ खुदा। सज्जल चलो ना, ये गीली क्यों हो के आई हो? चलो हैदर चलो बेटे। मम्मा मेरा जुगाड़ आई शेड लिपस्टिक ही नहीं मिल रही थी मुझे। बस जुगाड़ कर लिया तुमने। नहीं आप उधर ही बैठोगी पीछे। चलो पीछे बैठोगी आप। कुंडी लगाई है ऊपर की। चलो 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 ये खाया गाइस। चलो जल्दी चलो चलो उधर जल्दी चलो। चलो 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 उस दिन जो सलमान वगैरह ने चाबी दी थी, मैंने उसके बाद मुझे चाबी नहीं दी है। अस्सलाम वालेकुम माय रेडियो फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। तो जी ये इतनी रात में अचानक से प्रोग्राम जो बन गया है हमारा, वो आइसक्रीम खाने का। तो आइसक्रीम जो है बच्चों ने छोड़ डाला कि हमने आइसक्रीम खानी है। खाना शाना हमने खा लिया था सब ने घर पर। तो बस जैसे ही हस्बैंड घर पे आए तो बच्चों ने कहा कि हमने आइसक्रीम खाने जाना है। मौसम भी बहुत अच्छा हुआ है कि सब लोग बाहर निकले हुए हैं। तो जैसे आप लोगों को पता है 2-3 दिन पहले बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, तो बारिश की वजह से बहुत अच्छा मौसम हुआ है। तो अभी टाइम जो है तकरीबन रात के 10:30 का है। तो जी यहाँ पर निकल चुके हैं सब आइसक्रीम खाने। और आज जो हस्बैंड ने आइसक्रीम खिलाने हमें लेके जा रहे थे, वो एक स्पेशल जगह थी। वो
बचपन में जो है इनके स्कूल के आगे एक कोई आइसक्रीम वाले चाचा खड़े होते थे, तो उन्होंने कहा कि आज मैं तुम्हें उसकी आइसक्रीम खिलाऊंगा। तो मतलब कोई 18-20 साल पहले उनकी यादें जो हैं वो ताज़ा हो गई। उन्होंने कहा यहाँ पे जो है उन्होंने एक शॉप बना ली है, तो अब उनके बेटे जो हैं वो काम करते हैं यहाँ पे, तो आप ये आइसक्रीम खा के देखिएगा। तो बस अब ये वहीं जा रहे हैं आइसक्रीम खाने के लिए, देखते हैं कि इस आइसक्रीम का टेस्ट कैसा होगा, फिर आपको ही बताते हैं। तो हस्बैंड बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे कि जितनी भी आइसक्रीमें मैंने आज तक खाई हैं, जिस जिस ब्रांड की जो भी खा ली है, लेकिन इस आइसक्रीम का मुकाबला नहीं है। आज भी इसका टेस्ट जो है वही पुराने वाला है बिल्कुल। तो जी हाँ, हम बस अब जा रहे थे आइसक्रीम खाने। तो जी रश देखिए आप कितना ज़्यादा है, सारे लोग लगता है बाहर निकले हुए, और सारा खाने पीने की, आप लोगों को जैसे पता है कि सिर्फ खाने पीने की शॉप्स जो हैं वही ओपन है, बाकी जो है 9 बजे तक मार्केट्स वगैरह दूसरी जो हो गई वो सारी बंद हो जाती हैं। तो बस ये खाने पीने की शॉप्स और मेडिसिन की शॉप्स जो हैं वही ओपन है, और खाने पीने की शॉप्स पे रश देखें आप ज़रा। और अभी ये तकरीबन 10:30 बजे का टाइम है, रश चेक करें आप कितना ज़्यादा है। तो जी यहाँ पे जो है शॉप बंद हो गई थी, वो भी चले गए थे, शायद उनका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है आइसक्रीम का, इसलिए उनके जल्दी मुझे लगता है ख़त्म हो गई थी, तो वो चले गए थे, तो हमें यहाँ पे जो है वो आइसक्रीम नहीं मिली। बड़ा अफसोस हुआ हमें, लेकिन बच्चों ने कहा कि हमने जो आइसक्रीम खा के ही जाना है। तो जी बस यहाँ पे जो है फिर आगे बच्चों को लेके जा रहे थे कि कहीं और से खिलाते हैं। तो जी यहाँ पे ज़रा आप रश चेक करें कितना बाज़ारों में रश हुआ हुआ है। अच्छा मौसम जैसे अच्छा हो ना तो लोग भी बाहर निकलते हैं, इंजॉय करते हैं सब ना मौसम को बहुत ज़्यादा। तो यहाँ जी फिर डिसाइड हुआ, यहाँ पे एक कौन आइसक्रीम वाले जो हैं अंकल हैं, उनकी भी बहुत ज़बरदस्त जो है वो आइसक्रीम होती है। अच्छा उनकी कोन जो है, उन्होंने कोन भी जो अलग से एक बनाई हुई, जैसे कोन नेटो वाली कोन जो होती है ना, उस टाइप की उनकी कोन होती है, बहुत मतलब हार्ड किस्म की। एक तो वो आम कोन होती है जो सबके पास होती है, लेकिन इनकी जो कोन है वो बहुत हार्ड होती है, जैसे चॉकलेटी। और बच्चे एंजॉय पागल जो शरीर क्या खा रहे हो आप, मजा आ रहा है? यमी मजे की कितनी लंबी जबान निकाल ली है बुरा ने। बच्चे जो देखिए जी यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, बहुत इनको मज़ा आ रहा है। अच्छा बच्चों को वो स्टिक से जो एक डब्बी में कौन हो आइसक्रीम उस या बाउल में मिले या जैसे प्याले वगैरह में जैसे मिले, उसके बजाय बच्चे जो हैं कौन को बहुत एंजॉय करते हैं, तो उन्हें मज़ा आता है। तो उन्होंने कहा कि हमने जो है वो कौन पे ही लेनी है, और कौन भी देखी बड़ी ज़बरदस्त थी इनकी, और बच्चों को बड़ा मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे मैं इनसे पूछ रही थी कि कैसी लगी आप लोगों को, तो वो कह रहे थे बहुत मज़े की लगी है, बहुत यमी है ना। तो जी बच्चे बस यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे अपनी आइसक्रीम को, और ये मेरी नंद आई हुई थी तो ये उनके बच्चे थे, तो बड़ा इन्होंने कर रहे थे। तो इन्होंने मामू हमने आइसक्रीम खानी है तो आइसक्रीम खिलाए आज। तो बस क्योंकि हस्बैंड जब आए तो हम खाना वाना खा चुके थे, तो बस आइसक्रीम का ही प्रोग्राम बना, और यहाँ पर सारे बच्चे जो हैं वो इंजॉय कर रहे हैं। तो बस यहाँ से आइसक्रीम ली और फिर हम चल पड़े यहाँ से। और जी अच्छा बाज़ारों में जो बाकी मार्केट्स वगैरह हैं वो बंद होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा मतलब इतना उन शॉप्स पे जो है वो रश नहीं है, ख़त्म बंद जो हो गई है ना इस वजह से, तो वहाँ पे बिल्कुल
एक खाली खाली जगह ना मिली हुई थी जैसे, वरना गाड़ी निकालने के लिए या पार्किंग के लिए बिल्कुल जगह नहीं मिलती। तो जी बस यहाँ से हम निकले थे और यहाँ पे जो है देखें जी, एक किसी ने वो कोई लंगर जो है वो लगाया हुआ था, तो लोग यहाँ पे जो है वो लंगर भी खाने आए हुए थे। तो वहाँ पे जो है वो हलवा पूरी बनी हुई थी और गरम गरम ताज़ा ताज़ा वो हलवा पूरी निकाल रहे थे और सबको जो है वो हलवा पूरी खिला रहे थे उधर ना, फीस भी ले ला। तो लोग वहाँ पे हलवा पूरी जो है वो बड़े इंजॉय कर रहे थे। ये देखें जी यहाँ पे उन्होंने टेंट कनाते लगाई हुई थी और कितने ज़्यादा लोग जो है वो यहाँ पे खा रहे थे और साथ ही गरम गरम जो है वो यहाँ पे तैयार भी हो रही थी। तो अच्छा, मेरा भी बड़ा दिल किया मैंने, हम भी काश मर्द होते या बच्चे होते, मैं तो ज़रूर बैठ के खा के आती। तो जी बस यहाँ से हम वापस सीखा, हमने रास्ता लिया और वापस जा रहे थे। तो दरमियान में जो है हस्बैंड ने कहा कि मुझे चप्पल कबाब खाने हैं, तो उनका बड़ा दिल किया। तो फिर चलते चलते जो है हमने कहा वो भी ले लेते हैं। तो यहाँ खड़े होके जो है वो चप्पली कबाब बनाए, और ये मैं आपको थोड़ा करीब करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे जो है देखें जी, चप्पली कबाब बन रहे थे, तो बस यहाँ से चप्पली कबाब लिए हम लोगों ने जी। कबाब लेने के बाद जो है बस हम फिर घर चले गए, मौसम भी इंजॉय किया, आइसक्रीम भी इंजॉय की और चप्पली कबाब जो है वो घर आके इंजॉय करेंगे। तो आज की वीडियो जो है यहीं पर जो है ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तो जी चैनल को जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। आप वीडियो को जो है वो लाजमी शेयर किया करें और सब्सक्राइब भी किया करें चैनल को, और कमेंट्स में जो है वो लाजमी बताया करें कि आप लोग किस किस्म की वीडियो या व्लॉग्स देखना चाहते हैं। अच्छा, तो एक बात और करनी थी आपसे कि जो दुआ ज़हरा वाली वीडियो बनाई थी तो उसमें 2-3 कमेंट्स आए थे कि दुआ ज़हरा जो है वो तो मासूम है, उसके बारे में तो कोई बात नहीं करनी चाहिए, वो वाकई मासूम है, उसके बारे में कोई बात भी नहीं की। तो उसके लिए सिर्फ़ एक मैसेज छोड़ा था, वो ये कि वो सिर्फ़ अपने माँ बाप से जो है एक मरतबा लाजमी वो राबता करे, उनसे मिले, उनसे बातचीत करे, क्योंकि औलाद जो है वो माँ बाप की आंखों की ठंडक होती है। तो सिर्फ ये मैसेज दिया था उसको वीडियो में। आप दोबारा वीडियो देखिएगा ताकि आपको पता चले कि वीडियो में मैसेज क्या था। तो जी इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।